बैटिंग पर। पहली बॉल पर शॉट छोड़ दिया सीधे दो रन की ओर, बहुत हेलो, मैं हूं एंकर श्रेय और ECL का ऑफिशियल कमेंटेटर प्लस एंकर हूं और बहुत ही जबरदस्त सीजन 2 यहां पे हो रहा है। कल यानी 1 अप्रैल को सबसे पहले 8 टीमों ने 4 मैच खेले। सबसे पहला मैच खेला एन स्क्वायर वर्सेस केबी ने, जिसमें एन स्क्वायर ने 164 रन का स्कोर दिया था और केबी 100 रन बनाकर पवेलियन से आउट हो गई। वहीं बंधन सूत्र और श्री विनायक इवेंट्स के बीच में जो मैच हुआ उसमें श्री विनायक इवेंट जीत गई कुछ 5 रन एक्स्ट्रा बना के। श्री विनायक इवेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी और जेम्स इवेंटो के बीच में तीसरा मैच हुआ, वहां पे जेम्स इवेंटो ने बाजी मारी। और वहीं कल का आखिरी मैच हुआ रॉयल वेडिंग और द रॉयल वेडिंग प्लानर के बीच में, जिसमें द रॉयल वेडिंग प्लानर्स ने बाजी मार ली। बहुत ही जबरदस्त मैचेस हुए और कई टीमों के जो प्लेयर्स उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। एक प्लेयर ने 100 रन अपने पूरे किए थे जो कि बहुत बड़ी बात थी, पहले ही मैच में 100 रन कोई टीम पूरे कर दी है। और एन स्क्वायर ने 164 रन का जो कल का सबसे हाईएस्ट स्कोर था, उसके बाद केबी टीम के अलावा कोई भी टीम 70-80 से ऊपर नहीं पहुंच पाई थी। और इस बार की खास बात यह है कि जैसे जैसे सीजन बढ़ते जा रहे हैं, सबसे पहले सीजन 1 हुआ था, ये ACL का सीजन 2 है, लेवल अप होते जा रहे हैं प्लेयर्स का भी, क्योंकि प्लेयर्स प्रैक्टिस करने लग गए हैं और ये जो नेट है यहाँ का जो बॉक्स है वो उससे ज्यादा फैमिलियर हो गए, तो वो जानते हैं बॉल कब किधर कैसे मारनी है। तीसरी चीज के जो रूल्स हैं वो काफी ज्यादा रिजिड हो गए हैं कि कोई भी टीम के बीच में आपस में कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हुई रूल्स को लेकर कि प्रॉब्लम हो। कल एक बहुत ही खुशहाल मैच रहा, एक बहुत ही हैप्पी फेस रहा इस इवेंट का, बहुत ही जबरदस्त पारियां सबने खेली, धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ती गई और जबरदस्त शोर ऑडियंस ने मचाया, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट किया। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि सभी लोग जिन्होंने मैच हारे वो भी खुश थे और एंजॉय कर रहे थे, और जिन्होंने मैच जीते वो तो ऑफकोर्स खुशी थे। बेसिकली जो इस ECL का इवेंटस क्रिकेट लीग सीजन 2 चाहे कह लो या सीजन 1 कह लो, इसका जो मेन एम होता है, मोटो होता है, वो होता है सारे इवेंटर्स अजमेर के साथ बैठे मिले। अजमेर डिस्ट्रिक्ट जिसमें ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद जितने भी छोटे छोटे कस्बे आते हैं, छोटे छोटे गांव आते हैं, वहां से भी यहां पे इवेंटर्स आते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। तो मेन मोटिव इसका पूरा हो रहा है कि सारे इवेंटर्स एक दूसरे को जानते हैं और जानने के बाद एक दूसरे को जो काम मिलता है वो ज्यादा अच्छी तरह मिलता है जान पहचान के बाद। तो यही कहना चाहूंगा कि ECL का ये सीजन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और सब मिलकर खुशियों की तरह मनाने वाले हैं। 6 तारीख को ट्रॉफी, 6 तारीख को यहाँ पे विनर अनाउंस होगा, देखते हैं कौन विनर होगा। 23 मैचेस कुल खेले जाएंगे 10 टीमों को 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। जो 31 मार्च को जो ट्रॉफी लॉन्चिंग पार्टी हुई थी उसमें दोनों टीमों को चिट सिस्टम द्वारा 2 भागों में बांटा गया और अब ए और बी ग्रुप में मैचेस रोज हो रहे हैं। देखते हैं फाइनल में कौन पहुंचता है, क्या रिकॉर्ड टूटते हैं, मैन ऑफ द मैच कौन रहता है, और कुछ प्लेयर्स जो शुरू से कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते हुए आए हैं वो यहाँ पे पूरा गेम पलट देते हैं। कभी कभार जो गेम है वो इस तरीके से पलटता है क्योंकि बॉक्स क्रिकेट है, कब कुछ भरोसा नहीं। जहां एक नॉर्मल स्टेडियम में सिक्सर जाता है वो यहाँ पे कैच भी हो सकता है, वो यहाँ पे नेट पेड़ के 0 स्कोर दे देता है। 5वां जो बोनस ओवर होता है वो मैच को बदल देता है। कल एक टीम थी, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो टीम 4थे ओवर तक सिर्फ 1 रन पे थी, 5वें ओवर में भिड़ते ही उस टीम ने करीबन 30-32 रन बना लिए थे। तो जो बोनस ओवर का यहाँ पे रूल है वो बहुत ही जबरदस्त है, मैच को पलट देता है। और आते जाते वक्त मैं यही कहना चाहूंगा कि AY न्यूज बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और इसी की वजह से घर पे बैठे यूट्यूबर्स जो यूट्यूब देखते हैं, जो फेसबुक देखते हैं, और ना सिर्फ अजमेर में बल्कि ऑल ओवर इंडिया में, इंटरनेशनली भी अगर हमारे प्लेयर्स के कोई रिश्तेदार है, इवेंटर से कोई नोन है, वो भी इस मैच को लाइव देख सकते हैं, इस मैच की हाईलाइट देख सकते हैं AY न्यूज पर। तो प्रिंस भाई को बहुत बहुत शुक्रिया AY न्यूज पर लाइव अपडेट देने के लिए। मैं हूं अश्रय, थैंक यू सो मच। अश्रय भाई, रिकॉर्ड्स की बात करें तो लास्ट ईयर के सीजन से और इस सीजन में कितने नए रिकॉर्ड टूटे? देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, ये था कि लास्ट ईयर फर्स्ट जो मैच थे, जो पहले दिन के मैच थे, उसमें 100 रन कोई नहीं मार पाया था। इस बार अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं टूटा है, बट ये कि हाँ पहले ही सीजन में, पहले ही मैच में, पहले ही दिन एक प्लेयर है जिन्होंने 100 रन अपने पूरे किए थे। मैं उस प्लेयर का आपको नाम बताता हूँ, 100 रन नहीं 97 पूरे किए थे रितेश गोयर ने, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट भी लिए थे और सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे, 97 रन बनाए थे। तो और विकेट की बात करें तो 2 विकेट लिए थे उन्होंने, तो बहुत बड़ी बात है।
कि रितेश गोयर की परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रही है और आगे देखते हैं कौन कितने रिकॉर्ड तोड़ता है। हम सब